हेलो गाइस, गाइस आज हम लोग दोबारा से खेल रहे हैं रोब्लॉक्स। गाइस रोब्लॉक्स में आज हम लोग खेल रहे हैं जिम टाइकून। ओए मुन्ना जिम, क्या बात है, ये कौन है, ये किसको लेके आया तो? हे भैया, ये है भैया मेरा बॉडी बिल्डर। तेरा बॉडी बिल्डर? हाँ भैया, ये आज मुझे ट्रेन करने वाला है। और भैया मैं आज अपना खुद का जिम भी बनाने वाला हूँ। ओए मुन्ना मेरे पास भी है। कहाँ भैया, मुझे तो नहीं दिख रहा। ओए वो पता नहीं बेस में कहाँ रह गया। क्यों भैया, आपका बॉडी बिल्डर डरपोक है क्या? डरपोक नहीं मुन्ना, बहुत पावरफुल है मुन्ना। बॉडी डालेगा वो, किसी को पा जाएगा तो। भैया ठीक है, चलो भैया अभी तो शुरुआत में मैं अपना जिम बिल्ड करूंगा। उसके बाद भैया मैं खुद भी वर्कआउट करके बॉडी बनाऊंगा। और फिर भैया अपने जितने भी यहाँ पे कस्टमर्स आएंगे भैया उनको जिम में ट्रेनिंग सिखाऊंगा। वो एज अ ट्रेनर बनेगा तू? हाँ भैया वही समझो, बस एक बार बॉडी वॉडी बन जाए तो भैया ट्रेनर बनने में भी क्या ही दिक्कत है। लेकिन भैया तब तक मैं जिम को कंट्रोल करूंगा और भैया ट्रेनर बनेगा मेरा बॉडी बिल्डर। ओए मुन्ना ये तुझे भी ट्रेनिंग करवाए कि नहीं? ओए हाँ भैया क्यों नहीं। अरे ये क्या, ये मैट पे किसने आग लगाई? छोड़ूंगा नहीं। ओए मुन्ना बहुत यहाँ पे बेकार लोग हैं, मैंने दो मैट लगाई थी और यहाँ पे गंदगी करने लगे। ओए अरे भैया यहाँ पे तो एक मैट, भैया एक लोग ने आग भी लगा दी। आग लगा दी? छोड़ के मुन्ना बाहर कर दे उसको। हे भैया मैं क्या बताऊँ यार। चलो भैया मैं सब धीरे धीरे मैनेज करना तो सीख जाऊंगा, लेकिन भैया यार इस तरह तो काम नहीं चलेगा। वैसे भैया मुझे अपने जिम को भी काफी एक्सपेंड करना है। ओए मुन्ना छोटा तो भी मेरा भी जिम है। ओए लेकिन मुन्ना ये बॉडी बिल्डर बहुत मस्त है, मुन्ना सभी को सिखा रहा है ये। ओए भैया अच्छी बात है, सिखा रहा है तो। भैया मेरे जिम में तो ऐसे भैया लोग आते हैं और भैया वर्कआउट करके चले जाते हैं। मुन्ना टिकट का कितना पैसा ले रहा है तू? भैया अभी तो नॉर्मल ही ले रहा हूँ, लेकिन भैया जैसे जैसे धीरे धीरे लोग बढ़ते जाएंगे तो भैया उन्हीं टिकट के पैसे भैया जिम को एक्सपेंड करूंगा। फिर भैया जिम के रेट्स भी बढ़ा दूंगा, क्योंकि भैया अभी तो मेरे पास ज्यादा इक्विपमेंट भी नहीं ना, तो भैया रेट बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। ओए मुन्ना अभी तो तूने कुछ मैट्स ही रखे होंगे ना, क्यों मैंने सही कहा ना? हाँ भैया वही तो, उसी के भैया अभी ज्यादा पैसे नहीं लेने चाहिए। ओए मुन्ना लियो मत, नहीं तो मुन्ना सारे जितने भी आ भी रहे ना वो अभी चले जाएंगे। ओए हाँ भैया वो तो है। चलो गाइस थोड़ा सा जिम में इक्विपमेंट्स बढ़ाए जाए। अरे बाप रे इतने सारे कस्टमर्स है, आ जाओ कोई दिक्कत की बात नहीं है। गाइस ये रहा हम लोग का जिम का लेवल 2, जो कि हम लोगों ने थोड़ा है बहुत ही अपग्रेड किया है, ज्यादा तो नहीं है। लेकिन गाइस बूंद बूंद से सागर भरता है ना, आपको भी पता है। तो गाइस धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे, जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग जिम को भी अपग्रेड करते जाएंगे। मुन्ना बिल्कुल सही कहा, और मैंने भी अपग्रेड कर लिया अपने जिम का, सेकंड लेवल हो है भैया। मैंने तो इक्विपमेंट लगाना शुरू कर दिया है। गाइस ये रही हमारी बाइसिकल, जिससे गाइस लोग अपने सही से भैया लेग्स ट्रेनिंग होती है ना। ओए हाँ वो तो तेरा बॉडी बिल्डर बताएगा ना। अरे भैया वो पता नहीं कहीं चला गया है। और भैया मैंने तो अपने मैट्स को भी अपग्रेड कर दिया है। और भैया अभी मैट्स को अपग्रेड करने का फायदा पता है क्या है? क्या है भैया फायदा? ये रहेगा कि भैया अब इन मैट्स के मैं ज्यादा चार्जेस ले सकता हूँ। ओए क्या बात कर रहा है। हाँ हाँ भैया आप भी अपग्रेड ही कर लो, ज्यादा फायदा रहेगा। और भैया जितने ज्यादा मैट्स लगा सको उतने लगा लो, और भैया इक्विपमेंट में तो कोई कमी रखना ही नहीं। ओए मुन्ना वो तो मैं रखूंगा नहीं। ओए हाँ भैया वही है, जैसे जैसे भैया जिम में आपके पास पैसे इकट्ठा होते हैं तैसे भैया अपने जिम को लेवल अप करो और भैया जिम को अपग्रेड करो, उसमें इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करो, ताकि भैया आपके जो भी इक्विपमेंट लोग इस्तेमाल कर रहे हो तो भैया उसके ज्यादा आपको पैसे दे सके। हाँ वो तो मैं कर ही रहा हूँ, और क्या क्या करना है। वैसे मुन्ना मुझे भी वर्कआउट शुरू करना पड़ेगा। ओए क्योंकि मुन्ना मुझे एज ए ट्रेनर जिम में काम करना है, तभी तो मुन्ना लोग डरेंगे, नहीं तो पता नहीं यहाँ पे फिर से गंदगी करके इसको छोड़ूंगा नहीं। ओए ए भैया गंदगी तो नॉर्मल है, मेरे यहाँ तो भैया कोई मैट में आग ही लगा के चला जाता है। ए इस बार किसी ने आग लगाई है, छोड़ूंगा नहीं। ओए मुन्ना तूने अपना लेवल 3 अपग्रेड कर लिया, मैं देख रहा हूँ यहाँ से। हाँ हाँ भैया वो पैसे थोड़ा सा इकट्ठा हो गया था ना, हे तो भैया इसलिए मैंने 3rd लेवल भी अपग्रेड कर लिया। ओए काफी पैसे आ रहे हैं ना मुन्ना। हे भैया अब क्या ही बताऊ। बताओ भैया मैंने एक मैट्स को भी अपग्रेड करना शुरू कर दिया है, ओनली एक मैट को अपग्रेड किया है। हाँ भैया पैसे नहीं था भैया, जो कि अब मैट रेड कलर का हो चुका है। और चलो गाइस इक्विपमेंट्स भी बढ़ा ही लेते हैं, और ये रनिंग मशीन रख लेते हैं, क्योंकि गाइस इसमें जो रन करेगा तो इसके चार्जेस भी तो एक्स्ट्रा देगा ना यार। है ओए मुन्ना कितनी इक्विपमेंट रखेगा। ओए
अरे भैया इक्विपमेंट बढ़ाओ तभी तो भैया जिम के आपके रेट्स बढ़ेंगे, तभी तो भैया आपके जिम में बहुत सारे लोग आएंगे भैया, उन्हें पता चलेगा कि जिम में सारा सब कुछ है तो भैया जिम में क्यों नहीं आएंगे। ओए हाँ वो तो आएंगे मुन्ना, लेकिन मुझे ट्रेनर बनना है। अरे भैया ट्रेनर भी बने जाओगे, पहले भैया अपने जिम को तो बना लो, ट्रेनर बनने में क्या भैया, बॉडी शॉडी बनाओ और भैया ट्रेनर बन जाओ है। ओए लेकिन मुन्ना ये भी तो पता होना चाहिए ना कि ट्रेनर में क्या क्या चीजें होती हैं। ओए क्या क्या चीजें होती है भैया, बस लोग को यही तो बताना होता ना भैया जिम करने का सही तरीका क्या होता है। ओए तो तुझे पता है क्या? पता तो नहीं है भैया, लेकिन भैया मेरा बॉडी बिल्डर मुझे इतना अच्छे से सिखाई देगा कि भैया मुझे इतना पता चल जाएगा कि बॉडी वगैरह कैसे बनती है, भैया कैसे ध्यान वगैरह रखा जाता है। ओए हाँ ये तो है। अरे यार भैया पता नहीं ये मशीन में बार बार आग कौन लगा देता है। भैया जो मैंने रनअप वाली मशीन नहीं खरीदी ना। ओए हाँ हाँ खरीदी तो है। ए भैया उसी में पता नहीं किसने आग लगा दिया यार, मैं इतना भैया जिम में सुविधाएं प्रोवाइड करा रहा हूँ और पता नहीं भैया कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि भैया जिम को ही बर्बाद करने में लगे रहते हैं। मैं तो कहता हूँ सिक्योरिटी लगा दे और उन लोग को फुड़वा दे। अरे नहीं भैया फुड़वाना क्यों है यार, भैया हमारी जिम्मेदारी तो बनती है। चलो भैया अभी मैं चला वर्कआउट करने। ओए मतलब तू बॉडी शॉडी बनाने जा रहा है? हाँ हाँ भैया थोड़ी सी बॉडी शॉडी बनी जाए। और भैया मेरी बॉडी शॉडी बनवा रहे भैया, मेरा बॉडी बिल्डर मदद करेगा। हे आ जाओ चल मुझे सिखाओ कैसी बॉडी बनानी है। अरे आगे तुम टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि तुम अगर बिल्लो के आइडियाज चलोगे ना तो बॉडी क्या बॉडी बिल्डर भी बन जाओगे करना चूस के। हे बिल्लो यार मुझे बॉडी बिल्डर ही बनना है तो भी एज अ ट्रेनर। आगे तुम टेंशन मत लो, बस ऐसे डंबल मारते रहो बॉडी बनी जाएगी करना चूस के। ए बिल्लू मुझे तुम्हारी जैसी बॉडी बनानी है। चलो अभी वैसे इतने के लिए तो काफी है। ओए तूने बॉडी बना भी ली क्या? हाँ भैया आज एक दिन का वर्कआउट काफी काम है भैया मेरे। ओए मतलब ओए तेरी तो ये धंधा बन गया तू। ए भैया यार ये मेरा एक दिन का वर्कआउट है। ओए कितना वर्कआउट कर लिया? ए भैया काफी क्या, वैसे भैया आप काफी बिजी लग रहे हो। ए भैया अपग्रेड वगैरह भी कर लो यार। मुन्ना होगा अपग्रेड भी होगा, पहले कस्टमर्स को मुन्ना संभालना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। पता नहीं इतने सारे लोग जिम करने आ रहे हैं कि मुन्ना मैं यहाँ पे संभाल ही नहीं पा रहा। अरे यार भैया तो इक्विपमेंट बढ़ा लो ना भैया, बोल रहा हूँ मैं। ओए हाँ लगता है बढ़ाना ही पड़ेगा। ओए हाँ भैया मैं तो अपने जिम को भी एकदम फर्स्ट क्लास कर लिया है, जो कि भैया अब दिखने में थोड़ा बहुत ठीक हो चुका है। चलो गाइस अब नए इक्विपमेंट लगाए जाए, जो कि गाइस ये है थोड़ा सा डंबल उठाने वाला इक्विपमेंट, जिसमें गाइस हम लोग डंबल उठाएंगे। और वैसे हम लोग क्यों उठाएंगे है, वो तो जो लोग आएंगे वो ना उठाएंगे, हम लोग तो गाइस हम अपने ट्रेनर के साथ उठाएंगे है। वैसे भैया अब मुझे नहीं लगता कि मुझे अब ट्रेनर की जरूरत है। ओए अब तुझे ट्रेनर की जरूरत नहीं है? ए भैया मुझे वर्कआउट के लिए इसलिए जरूरत है क्योंकि भैया अब मैं तो पता चली गया है कि वर्कआउट भैया किस तरह से करते हैं, तो भैया इस बार मैं अगर वर्कआउट करने जाऊंगा तो अकेले ही जाऊंगा और भैया एकदम फुल टू बॉडी बना के आऊंगा है। ओए बना ले मुन्ना बना ले बॉडी, अभी तो मैं अभी वर्कआउट के लिए निकल चुका हूँ। ओए क्या बात कर रहे हो भैया, मतलब अब एकदम बॉडी शॉडी बनाओगे? ओए बॉडी शॉडी मुन्ना तेरा भैया फुल टू बॉडी बिल्डर बनेगा। ओए अच्छी बात है भैया, बॉडी बनाओ और भैया दिल खुश कर जाओ। ओए बॉडी बना के दिल कौन खुश करता है? ए भैया है मजाक कर रहा था भैया, मैंने तो अब एक वर्कर भी हायर कर लिया है जो कि भैया अब टिकट काउंटर को देखेगा। ओए चल मुन्ना तेरा भार तो कम से कम कुछ लो हुआ होगा ना। अरे अभी कहाँ भैया, जिम में भैया इतनी गंदगी लोग मचा देते हैं, मुझे ही साफ करना पड़ता है। और भैया कुछ कुछ तो लोग मशीनों में आग लगा देते हैं और भैया मैट में भी। ओए हाँ ये तो है मुन्ना, ये बात बिल्कुल सही कही। ओए इन लोगों तो मुन्ना मेरे लिए डंडा रखना पड़ेगा इन लोगों के लिए। अरे भैया डंडा वंडा मत रखो भैया, बॉडी शॉडी बना लो ना भैया, ये लोग डरने लगेंगे। ओए कुछ नहीं डरते, और तो मुन्ना पैसे देते हैं और मुन्ना फूल ऐसा जिम करते लगता जिम ही नहीं का है। ओए ए भैया मैं वही बार, अरे यार पता नहीं यार कौन लगा देता है। ओए मुन्ना तू तो बॉडी वॉडी बना गया था ना, फिर भी आग लग रही है। अरे भैया यार इतनी भी बॉडी नहीं है यार भैया, मेरे से ज्यादा बॉडी तो भैया यहाँ पे जो जिम कर रहे हैं उनकी है। क्या बात कर रहा है? हाँ हाँ भैया लगता है मुझे दोबारा से वर्कआउट के लिए निकलना पड़ेगा। ओए मुन्ना ऐसा भी है क्या? हाँ भैया जाना पड़ेगा ताकि भैया मैं फुल टू बॉडी बना के आ सकूं और भैया इस बार जब ये गलती करे ना उसको भैया अपनी बॉडी से मजा चखा सकूं है। ओए मुन्ना तुझे देख कर लोग डर ही जाएंगे। ओए
वैसे बनना तेरे भैया की भी धीरे धीरे बॉडी बनती जा रही है। हाँ भैया बॉडी बनाओ अच्छी बात है, लेकिन भैया जिम को भी बढ़ाओ ये भी अच्छी बात है, क्योंकि भैया हम लोग यहाँ पे जिम के पर्पस से आए हैं कि भैया हम लोग अपना खुद का जिम एकदम एक्सपेंड करेंगे और भैया अपने जिम को वर्ल्ड का नंबर वन जिम बनाएंगे। ओए हाँ मुन्ना जिम तो ठीक है ना, जिम अपना धीरे धीरे बनता ही जा रहा है, ओए उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मुन्ना जितने भी लोग आते हैं टिकट खरीदते हैं पैसे देके जाते हैं और उन्हीं पैसों को मुन्ना हम लोग जिम पे लगा देते हैं। ओए लेकिन मुन्ना हम लोग को अपनी बॉडी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुन्ना अगर हम लोग अपनी बॉडी नहीं बनाएंगे ना तो फिर मुन्ना हम लोग को कोई एज अ ट्रेनर ट्रीट नहीं करेगा। ओए हाँ भैया हमसे कोई ट्रेनिंग नहीं लेगा। अरे यार फिर से आग लगा दी, जा रहा हूँ भैया। ओए कहाँ जा रहा मुन्ना? ए भैया वर्कआउट करने जा रहा हूँ, इस बार भैया फुल टू बॉडी बना के आऊंगा। ओए जा जा मुन्ना बॉडी वॉडी बना के। ओए हाँ भैया मेरा ट्रेनर किधर गया? इस बार तो मुझे ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है, चलो गाइस ऐसी ट्रेनिंग करते हैं और एकदम फुल साइड बॉडी बनाते हैं। फुल साइड? ओए फुल साइज बॉडी होती है वाह। अरे हाँ भैया जैसी भी हो, लेकिन भैया इस बार मैं अपनी बॉडी एकदम फुल बना के आऊंगा कि भैया लोग कम से कम ऐसे ट्रेनर तो मुझे ट्रीट करे। देखो गाइस मेरी बॉडी तो देखो जरा मस्त है ना, चलो और भी बनाते हैं फिर भैया के पास चलते हैं। है भैया मैंने अच्छी खासी बॉडी बना ली है और अपने जिम को भी एकदम फुल अपग्रेड कर लिया है। ओए फुल अपग्रेड कर लिया है? अरे भैया जिम को ओनली 7 लेवल का अपग्रेड किया है। हे गाइस हम लोग को क्लीनअप के लिए भी कोई रखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार हम ही को क्लीनअप करना पड़ रहा है। चलो ये हो गया विल हमारे क्लीनअप के लिए, अब तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। क्लीनअप के लिए एक रख लिया है और रिसेप्शनिस्ट भी रख ही लिया है जो कि टिकट काउंटर देखेगा। ए ये फिर से किसने आग लगा दी? ओए मुन्ना ये आग लगाने वाले नहीं जाएंगे। ओए भैया ये तो है, चाहे जितनी भी बॉडी बना लो यार। है वैसे भैया आप क्या कर रहे हो? ओए मुन्ना मैं आ रहा हूँ। तू ये क्या लेके आ रहा है? लगता तुझे दिन में भी आग लगती हुई दिखाई देती है क्या? हाँ भैया इस बार तो अपने साथ इसको लिए घूम रहा हूँ ताकि भैया जहाँ भी आग लगे भैया इसको स्प्रे कर दूँ। ओए मुन्ना तू बिना। चलो दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो दोस्तों वीडियो पसंद लाइक कर देना, गाइस चैनल में सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।